तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं पुट्टी कैसे लगाया जाता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस पुट्टी लगाने का, पुट्टी को कैसे लगाया जाता है। तो देख सकते हैं ये जो पुट्टी है वो जेके वॉल पुट्टी होने वाला है। आप चाहे तो बर्जर का भी ले सकते हैं और एशियन का भी ले सकते। पुट्टी को बनाने के लिए इसमें 35-40% वाटर दिया जाता है और इसको अच्छे से फेंटा जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है। अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद ही इसको लगाया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ मिलाया जाता है। मशीन से भी मिला सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ही काम है तो इसमें मशीन का ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से ही इतना मिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं इस साइड थोड़ा बहुत फर्स्ट कोट हो चुका है और इस साइड भी हो चुका है। ये फर्स्ट कोट ही अभी किया जा रहा है। देख सकते हैं अब किस तरह से इसको लगाया जाता है। इसको काफ़ी ध्यान से आस्ते आस्ते आराम से लगाना पड़ता है और ये फर्स्ट कोट हो रहा है। उसके बाद भी आपको दिखाएंगे सेकेंड कोट और प्राइमर तक भी किया जाएगा इसको, तो भी आपको दिखाएंगे कैसे किया जाता है। फिलहाल तो अभी फर्स्ट कोट ही चल रहा है। पहला पुट्टी ख़त्म हो चुका है, अब दूसरे बार फिर से मिक्स किया जा रहा है। देख सकते हैं इस तरह से इसमें दिया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा देकर ही इसको मिलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। पहला कोट अभी अप्लाई कर दिया गया है, ये रूम कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं अभी फर्स्ट कोट हुआ है। इसमें दो कोट किया जाता है, तो इसमें दो कोट पहले पुट्टी किया जाएगा, उसके बाद उसको घिसाई किया जाएगा, घिस के मतलब प्लेन वर्क किया जाएगा, उसके बाद इसमें प्राइमर किया जाएगा, उसके बाद पेंट किया जाएगा। तो अभी तो फर्स्ट ही कोट हो रहा है, तो चलिए आगे भी दिखाएंगे आपको। पुट्टी के बैग में भी दे सकते हैं, पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस दे दिया गया है, ये कैसे कैसे इसको मिक्स किया जाता है। पुट्टी रेडी करने के बाद इसको अप्लाई कैसे किया जाता है तो आपको बताते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है इसको अप्लाई करने से। तो पहले देख सकते हैं ये प्लास्टर है, देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रहता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं थोड़ा ऊंचा सा है। तो इसको पहले ब्लेड से घिस लिया जाता है अच्छे से, मतलब जहाँ भी थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हो, तो इस जैसे ये देख सकते हैं थोड़ा ऊंचा नीचा देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से घिस दिया जाएगा। ब्लेड से घिसने के बाद इसको पुट्टी को अप्लाई किया जाता है। अब पुट्टी को अप्लाई करने का तरीका भी आपको दिखाने वाले हैं कैसे इसको लगाया जाता है। ये देख सकते हैं ये विंडो के कॉर्नर में कैसे किया जाता है। विंडो के कॉर्नर में अच्छे से इसको करना पड़ता है ताकि ये फिनिशिंग काफ़ी अच्छा दे सके। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये कॉर्नर विंडो वाला में ही करना होता है। विंडो हो गया, गेट हो गया, ये सब का कॉर्नर हो गया, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है इसको बनाने में। तो इस तरह से इसको देखिए किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।